काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नहीं बेटे, स्कूल को देरी हो रही है। कैसेट तो अपना ही है, शाम को देख लेना। ओके, तुम शाम को बोलती हो सुबह देखना, सुबह को बोलती हो शाम को देखना। अच्छा बाबा, आज शाम को मना नहीं करूंगी, लेकिन अब स्कूल को देरी हो रही है, नहीं तो टीचर डांटेगी। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। अच्छा सुनो, बाहर की कुछ चीजें मत खाना, अपना टिफिन खाओ। ओके मम्मी, बाय बेटा। बाय बाय। माथुर साहब, यही है प्रोफेसर भटावनेकर का बेटा। हेलो बेटे। हेलो अंकल, आप कौन है? मैं? अभी तो बेटा तुमने मुझे अंकल कहा ना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये लो चॉकलेट। ले लो बेटे, शर्माओ मत। नहीं मम्मी ने ना बोला है, बाहर वालों की चीजें मत खाना। लेकिन बेटा मैं बाहर वाला कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ। ये लो। अभी लोगे तो मम्मी को कैसे पता चलेगा? ये लो बेटे चॉकलेट। लेकिन अब मम्मी को मत बताना। नहीं बताऊंगा बेटे, नहीं बताऊंगा। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटा। कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कीमत मालूम हुई होगी। तुमने देखा शांति, आज शहर में ही नहीं सारे देश में एक ही चर्चा है, इनविजिबल मैन यानी तुम्हारा पति। तुम देखना चाहोगी शांति? अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा पति कितना महान है। कितना ग्रेट है। कितनी बड़ी इजाद की है उसने। काश तुमने इजाद ना की होती। क्या, कैसी बकवास कर रही हो तुम? तुमने मुझे हमेशा दुख दिए, मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया। आधी जिंदगी तो तुमने कुछ ना करके मुझे परेशान किया, और अब कुछ किया तो मुझसे मेरी ममता छीनने का आविष्कार किया। अपने बच्चे के लिए दुश्मन इजार किए तुमने। मतलब हमारा राजू? हाँ राजू, अपना राजू। वो अजनबी हत्यारों के बीच पता नहीं किस हालत में होगा, उसके जिम्मेदार भी तुम हो। शांति, शांति हुआ क्या है अपने राजू को? ये देखो, ये चिट्ठी देकर गए हैं वो लोग। अगर रात तक उनको फॉर्मूला नहीं लौटाया
तो अपने राजू को मार डालेंगे। फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला। तुम जानती हो शांति कितने साल लगे हैं इस फॉर्मूले को बनाने में, कितना दुख उठाया मैंने इसके लिए। और मेरा बच्चा, मैंने भी तो उसके लिए दुख उठाया है, इतने सालों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ये प्रोफेसर का बच्चा अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वो इनविजिबल बनकर आ गया तो? नो 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 नो, ये डॉक्टर सामरी का घर है, यहाँ आने वाले हर जिंदा आदमी के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी देख लेता है डॉक्टर सामरी। यहाँ आकर वो कभी नहीं छुप सकता। वो आ गए। कम वो दरवाजे पर है। वो सचमुच अदृश्य होकर आ गया। तुम तो कहते थे सामरी कि तुम रोहे भी देख लेते हो, फिर कहाँ है वो? I know, वो दरवाजे के बाहर है, दरवाजे के अंदर आते ही वो नजर आएगा। Yes। लो, वो आ गया। I know, वो वहां पर है, जहां जहां उसके कदम पड़ेंगे ये लाल लाइट चलेगी। सचमुच चालाक है प्रोफेसर। मगर शेर की मान के अंदर किसी की चालाकी नहीं चलती। अब इस चूहे बिल्ली के खेल को खत्म भी करो सामरी। यस माथुर, ये लो। बस प्रोफेसर बस, हमें पता चल चुका है कि तुम यहाँ आ गए हो, अब सीधी तरह से अपनी असलियत पर आ जाओ वरना तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। शाबाश प्रोफेसर शाबाश, वाकई तुम एक अच्छे बाप भी हो। अब एक समझदार दुल्हन की तरह अपना मुखड़ा भी दिखा दो। ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग, और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये है बबलू महाशय, स्कूल जाने का समय हो गया है मगर ये महाशय अभी भी कंबल ओढ़े मजे की नींद ले रहे हैं, और ये है इनके दादाजी। बेटे बबलू उठो, स्कूल का टाइम हो गया है, ब्रश करो तैयार हो जाओ। क्या दादाजी, आप भी ना सुबह सुबह उठाते थे जब देखो तब, आज जाना है ना स्कूल। ठहरो, तुमने अपने दादाजी के पांव छुए? नहीं। बड़ों के आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत किया करो। सॉरी शक्तिमान। जीते रहो। दोस्तों, सुबह सोकर उठने के बाद अपने माता पिता और दादा दादी जैसे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत किया करो दोस्तों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से तुम्हारी उन्नति होगी और सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी, तुम बड़ों के प्यारे हो जाओगे।
जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।